मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल मोस्ट अवेटेड मॉड्यूल बहुत ही ज्यादा कुछ हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने वाले हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बिल्कुल शुरू से बता दूं कि ये वीडियो आपका इंट्रोडक्टरी वीडियो है इसके अंदर हम देखेंगे कि इस मॉड्यूल नंबर फाइव के अंदर कौन कौन से कंटेंट्स आपको मिलने वाले हैं क्या क्या आपको मिलेगा इस मॉड्यूल फाइव के आने वाले अपकमिंग वीडियोज में आज इसी की बात करेंगे हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर ठीक है तो मॉड्यूल नंबर फाइव जो था डीसी मशीन इसका सिलेबस बनाने के पीछे जो मोटिव था इसके सिलेबस बनाने डिज़ाइन करने के पीछे जो जो वर्किंग थी वो इस चीज़ को ध्यान में रख के की गई है कि मोस्ट ऑफ़ द यूनिवर्सिटीज़ के जो सिलेबस हैं वो इसके अंदर आपको दिखे उसके अंदर का जो मेजर पोर्शन है वो इसके अंदर दिखे आने वाले टाइम में हम इसके अंदर के कंटेंट्स को और ज्यादा इंक्रीज करने वाले हैं सो so दैट कि जो जो और भी अदर यूनिवर्सिटीज हैं और भी अदर जो स्टडी पोर्शन हैं वो सारे भी कवर अप हो जाएं और सारे कॉम कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड जो भी पोर्शंस होंगे वो सारा कुछ का कंटेंट भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा ठीक है तो इस डीसी मशीन्स के अंदर हम बेसिकली किन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं अभी ठीक है तो देखो इस डीसी मशीन पोर्शन के अंदर सबसे पहला पार्ट जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी आवर इंट्रोडक्शन पार्ट जो बिल्कुल बेसिक होता है और आप मेरे प्रीवियस किसी भी वीडियोज में देख लीजिए कि जब भी कोई मॉड्यूल शुरू होता है तो हम सबसे पहले उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जरूर बात करते हैं दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होता है कि जब तक आप किसी चीज के बारे में बिल्कुल बेसिक से नहीं जानते हो ना तो दो चीज़ें होती हैं पहला आपकी उस चीज़ से रिलेटेड इंटरेस्ट नहीं डेवलप होती है और दूसरा आप उस चीज़ को उतने डिटेल में नहीं समझ पाते हो जितना आपको उसका नॉलेज लेने के लिए समझना चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है uh, मेरी बेसिकली आदत ये होती है कि जब मैं पढ़ाई करता हूँ तो मैं बुक uh, के बिल्कुल फर्स्ट पेज से पढ़ना शुरू करता हूँ मुझे पता है मेरा कंटेंट जो है सेवंथ पेज में सिक्स पेज में बट मैं उसके फर्स्ट पेज से उसकी बेसिक से उसको जब समझता हूँ तब मुझे मज़ा आता है उस सेवन पेज में पहुँचते पहुँचते मेरी इंटरेस्ट इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी होती है कि वो कंटेंट मेरे लिए मतलब मैं विजुअलाइज़ करना बहुत ईजी हो जाता है तो और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो भी बिल्कुल इसी तरीके से वर्क करें इसी तरीके से सीखें चीज़ों को बाकी हर किसी का अप्रोच अलग होता है तो उसको अपन वो नहीं कर सकते हैं बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको जो कंटेंट है वो ऐसे ही एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ऐसे ही पैटर्न के हिसाब से अवेलेबल कराऊँ तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर आने वाले जो वीडियोस होंगे वो क्या क्या कवर अप करेंगे वो देखिए जो फर्स्ट जो वीडियो आपका आएगा दैट विल बी इंट्रोडक्शन ऑफ डीसी मशीन इंट्रोडक्शन के अंदर भी क्या क्या रहने वाला है तो भाई इंट्रोडक्शन भी बिल्कुल बेसिक है और इसके अंदर आपको दिखेगा कि इंट्रोडक्शन में हम कवर करेंगे इसके बेसिक्स को कि भाई डीसी मशीन क्या होते हैं किस टाइप की चीजें होती है उसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज हो सकती हैं क्या उसका नीड uh, है क्या इसका यूज है यानी इसका सेकेंड जो हम पार्ट पे बात करेंगे दैट इज यूजेज ऑफ डी मशीन एंड एप्लीकेशन आपके माइंड में सबसे पहले ये चीज आएगी कि ये डीसी मशीन जब हम पढ़ रहे हैं तो इसका नीड क्या है इसका कहाँ पे यूजेज है चलो इसका यूज समझ में आ गया इसका बेसिक क्या होता है किस टाइप की चीज़ों को डीसी मशीन बोला जाता है क्यों कुछ चीज़ों को एसी मशीन बोलते हैं को, कोई चीजें इस कैटेगरी से बाहर क्यों होती है कोई कौन कौन सी चीज़ें इस कैटेगरी के अंदर आती हैं ये सारा कुछ एप्लीकेशन पार्ट जानना इसलिए जरूरी है कि जब तक आप उस चीज का मोटिव नहीं समझोगे कि वो कहां जा रही है वो चीज कहां यूज हो रही है आपको डेली लाइफ में कहां दिखाई दे रही है वो चीज तब तक आपका इंटरेस्ट उस चीज से डेवलप हो पाना और आपका उस चीज से जुड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ठीक है तो हम इस फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो जो होगा शॉर्ट सा वीडियो रखेंगे और उसके अंदर हम बात करेंगे अबाउट द बेसिक्स यूजेज एंड एप्लीकेशन ऑफ डीसी मशीन डीसी मोटर डीसी जनरेटर जो भी चीज है हम उसके बारे में बात करेंगे ठीक है देन इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा दैट पार्ट विल बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कंस्ट्रक्शन एंड पार्टस ऑफ डी सी मशीन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप कोई भी चीज़ के बारे में जब बेसिक से समझते हो आपको याद होगा आप हमारे मॉड्यूल नंबर टू पे अगर गए होगे या वन पे गए होगे या थ्री पे गए हो जिस पे भी आप उसमें देखे होगे कि अगर हम एसी सी का चैप्टर भी शुरू कर रहे हैं तो ए कैसे जनरेट हुई इसे लेके उसको कैसे डिनोट किया कैसे सिम्बलाइज करते हैं फिर उसकी वर्किंग और उसका एनालिसिस किया हम लोगों ने एक पूरा पैटर्न बना हुआ है जो आ, मेरे माइंड में जो चीज़ें होती है ना या मैं कोई भी चीज आपको कोई नया पढ़ा रहा हूँ तो वो मेरे माइंड में उसका एक पूरा पैटर्न बना होता है एक पूरा सीक्वेंस बना होता है एक जैसा ब्लॉक डायग्राम आप बना के चलते हो ना बिल्कुल वैसे ही एक सीक्वेंस बना होता है और मैं उसी अकॉर्डिंग ही पढ़ाता हूँ मैं मतलब इधर उधर से चीजें मैं नहीं पढ़ाता हूँ किसी को ठीक है तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि मेरे स्टूडेंट्स उस चीज को सीक्वेंस वाइज समझे कि कौन सी चीज दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है पहले आप उसका बेसिक समझो फिर उसका एडवांस लेवल समझो उसका वर्किंग समझो फिर धीरे धीरे उस पर आगे प्रोसीड करोगे तो वैसे ही हम यहाँ पे डीसी मशीन्स के केस में भी करने वाले हैं कि हम जब इसका इंट्रोडक्शन समझ लेंगे कि ये बेसिक किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती है इसके अंदर व्हाट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज अ मशीन उसके यूजेज़ क्या है उसके एप्लीकेशन क्या है देन आफ्टर वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ कंस्ट्रक्शन एंड पार्ट्स ऑफ डी मशीन डी मशीन के वर्किंग पार्ट्स क्या क्या होते हैं मैं आपको कुछ कॉम्पिटिटिव uh, लेवल के एग्जाम्स का कुछ क्वेश्चन भी बता बताऊँगा इसके अंदर जो आप विश्वास नहीं करोगे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है पार्ट्स ऑफ डी सी मशीन का क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा आगे चल के जो कॉम्पिटेटिव में पूछा हुआ है जो एमसीक्यू टाइप के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है जो इसी से बना हुआ है पार्ट्स ऑफ डी मशीन के पोर्शन से तो इसकी अपनी एक अलग वेटेज है इसका कंस्ट्रक्शन पोर्शन का एक अलग वेटेज है और मोर uh, ओवर आपको ये पता होना चाहिए कि डी मशीन कंस्ट्रक्ट कैसे हो रही है कैसे उसको बनाया जा रहा है क्या बेसिक वर्किंग है उसका ठीक है बहुत मजा आएगा इस पार्ट को समझने में फिर नेक्स्ट uh, हम उसके बाद देखेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर एंड जनरेटर स्टूडेंट्स के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि भाई एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर के वर्किंग में कैसा डिफरेंस होता है एसी मोटर डीसी मोटर के वर्किंग में कैसा डिफरेंस होता है इंडक्शन सिंक्रोनस अलग पढ़ते हैं डीसी मोटर जब पढ़ते हैं तो क्या चीज बदल जाती है कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये स्लिपरिंग और स्प्लिटरिंग क्या होता है ये दोनों में डिफरेंस क्या हो जाता है ये कैसे हम समझे कि, कि, कि किस केस में स्लिपरिंग यूज होता है किस केस में स्प्लिटरिंग यूज होता है तो बहुत सारा कुछ है हम बातों बातों में क्या होता है कि हम वही वर्ड अलग अलग चीजों के लिए यूज कर लेते हैं हम अलग एसी मोटर हो गया या डीसी मोटर हो गया दोनों बोल दिया स्लिप्लिंग स्लिपरिंग पोर्शन यूज हो रहा है या स्प्लिट रिंग यूज हो रहा है तो वो वो बहुत सारा कुछ कंफ्यूजन है जिसको कि हम इस पोर्शंस के अंदर दूर करने की कोशिश करेंगे ठीक है तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ये ये जो दो बेसिक है ना ये इस मशीन पोर्शन की जान है और ये अगर आप समझ गए ये आप अच्छे से अगर अंडरस्टैंड कर गए आपके माइंड में ये चीज चला गया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि पूरी लाइफ टाइम में आपके दिमाग से वो चीज़ नहीं निकलेगी आपको डीसी मशीन कोई अगर पूछ लेगा तो आप उसको पूरा टिल द एंड समझा सकते हो इतना अच्छा आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा ठीक है तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर एंड डीसी जनरेटर्स के बारे में हम यहां पर देखेंगे उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आगे ई एम एफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर डीसी जनरेटर सिस्टम के अंदर कैसे ई एम एफ इंड्यूस होती है कैसे ई एम एफ बनती है क्यों वो डायरेक्ट नेचर की होती है कैसे डायरेक्ट नेचर की बन जाती है क्यों ऑल्टरनेटिंग क्यों नहीं बनती है वो सारा कुछ आप इसके अंदर समझोगे इसका कुछ एक आध शॉर्ट सा डेरिवेशन है ई एम एफ इक्वेशन का तो उसको भी हम देख लेंगे कि कैसे हम उसकी ई एम एफ को डिराइव करते हैं ठीक है वो कैसे होता है कैसे फ्लक्स पर पोल के हिसाब से नंबर ऑफ टर्न और उसके रोटेशन के हिसाब से हम उसका कैसा एक डेरिवेशन देखते हैं और इसी के अंदर हम हाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे कि मैं आपको इस इसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर बताऊंगा कि डीसी मोटर्स में जो हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं बैक ईएमएफ का बैक ई का जिसको हम यूजली ई से डिनोट करते हैं एक तो होता है जनरेटेड ई ईजी से जिसको डिनोट करते हैं ना एक होता है जनरेटेड ई जनरेटेड ईएमएफ ई एम एफ दैट इज ई जी और एक होता है मोटर के केस में दैट इज बैक ई एम एफ ई बी तो इसको बैक एम एफ ही क्यों बोलते हैं ऐसा क्या हो जाता है कि वो बैक ई आप ये वर्ड तो सब यूज़ करते हो ये स्कूल uh, टाइम से भी आई थिंक आप लोग पढ़ रहे हो कि बैक ई हो गया बैक ई हो गया जनरेटेड केस में चलो ठीक है समझ में आ गया जो उसने जनरेट करके दिया बैक ई मोटर के केस में कैसे हुआ उसको बैक ही क्यों बोलते हैं उसको भी क्यों सेकेंड जनरेटेड ई क्यों नहीं बोलते हैं उसको कंज्यूम्ड ई क्यों नहीं बोलते हैं कुछ चीज़ें होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में आराम से तो ये एक डेडिकेटेड वीडियो रहेगा इसका जिसमें कि ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर भी पढ़ेंगे हम ईएमएफ इक्वेशंस के बारे में और बात करेंगे मोटर के केस में कैसा होता है ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट उसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे कि टॉर्क इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर कैसे वर्क करता है कैसे क्रिएट करते हैं हम कैसे पता लगाते हैं कि कितना टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी आर्मेचर करेंट आप उस सिस्टम के अंदर दे रहे हो वो सारा कुछ चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो दैट इज टॉर्क इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर ठीक है फिर आगे हम देखो किसके बारे में बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डी सी मशीन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ब्रॉडली डिस्ट्रीब्यूटेड टॉपिक है तो इस क्लासिफिकेशन का हो सकता है कि एक से ज्यादा वीडियो आपको दिखें इन फ्यूचर इसके मल्टीपल वीडियोज हो सकता है कि आए और आपको और डिटेल्ड फॉर्म में समझाने के लिए ये मुझे नहीं लगता कि एक वीडियो में कवर करना ठीक रहेगा और या तो फिर अगर मे भी हम लोग एक वीडियो में कवर करें तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी वो ठीक है तो वो मैं डिसाइड करूंगा आगे चल के कि उसको हम कैसे किस फॉर्म में आपके पास लेके आने वाले हैं लेकिन ये जरूर होगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन जो है वो आप अच्छा खासा डिटेल में आप पढ़ने वाले हो उसके अंदर अलग अलग वैरायटी हम कैसे देखेंगे कि कैसे सीरीज बाउंड होते हैं शंट बाउंड होते हैं कंपाउंड बाउंड होते हैं अब कंपाउंड में चले जाओगे तो आप तो फिर लॉन्ग शंट शॉर्ट शंट ऐसे अलग अलग वराइटीज़ उनके पूरे डायग्राम्स उनका पूरे का डेरिवेशन क्योंकि आगे चल के जब आप न्यूमेरिकल्स बनाओगे तो आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी आपको ये चीज़ पता होना चाहिए और वैसे भी आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आपको इनके बारे में बेसिक्स तो पता होना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ठीक है तो क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग और मैंने चूंकि मशीन लिखा हुआ है तो दैट मीन्स मोटर और जनरेटर दोनों का केस हम साथ में लेके चलेंगे ये बहुत जरूरी चीज़ है ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको मशीन में किसी एक का पढ़ा दूं और दूसरे के लिए बोल दूं कि इसको समझ लो ये ऐसा ही होता है ऐसा नहीं है हमको मशीन अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर फिर हम पैरेलली दोनों की बात करेंगे एक अगर मोटर्स की बात कर रहे हैं तो पैरेलली फिर हमको जनरेटर्स के लिए भी ये सारी चीज़ें पढ़नी होंगी तो ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे इस पोर्शन में फिर आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज स्टार्टिंग ऑफ डीसी मशीन बहुत सारा क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि भाई सर डीसी मशीन का स्टार्टिंग कैसे किया जाए क्या डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं क्या या अगर डायरेक्टली नहीं कर सकते तो उसको स्टार्टर की जरूरत पड़ती है तो स्टार्टर भी कितने टाइप के हो सकते हैं थ्री पॉइंट फोर पॉइंट जितने भी टाइप के स्टार्टर्स हो सकते हैं उसका स्टार्टिंग मेथड क्या क्या हो सकता है क्यों नीड क्या है सबसे पहले तो यही देखेंगे इसके अंदर कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है वॉट इज द बेसिक नीड फॉर प्रोवाइडिंग अ स्टार्टर फॉर अ डीसी मशीन क्यों प्रोवाइड करना क्यों नहीं ऐसी डायरेक्टली उसको हम शुरू कर सकते हैं तो ये सारा कुछ हम इस पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर पढ़ेंगे इस चैप्टर इस टॉपिक से रिलेटेड है और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होता है तो इसको छोड़ नहीं कर सकते थे इसको स्किप नहीं कर सकते थे क्योंकि मेजरली देखो आप किसी भी यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं किसी भी कानपुर यूनिवर्सिटी की बात करूं या किसी भी अदर पंजाब यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं मैंने देखा हुआ है कि इन सभी के अंदर के पोर्शन में ये मेजर टॉपिक्स हैं हाँ मैं ये डेफिनेटली बोलूंगा कि इनके अंदर सब टॉपिक्स और ज्यादा है और सब सिलेबस में अलग अलग हैं वो बाइफर्केशन और ज्यादा इंक्रीज हैं लेकिन जो एक मेजर कंक्लूजन जो निकलता है ना कि मेजरली ये ये चीज़ आनी चाहिए जो इन सबके अंदर कॉमन है मैंने कोशिश किया हुआ है कि वही सारे टॉपिक्स उठाऊं सो so दैट कि आपको एक इन जनरल एक बेसिक आइडिया तो होना चाहिए सब चीज़ों का ये सब जब आप पढ़ने जा रहे हो जब डीसी मशीन चैप्टर पढ़ रहे हो तो इतना अगर आपको नहीं पता है ये सारी चीज़ें नहीं पता है तो आपको फिर वो चैप्टर पढ़ने का मतलब नहीं होता है तो ये मैं इन सारी चीज़ों को जो ये आपको बोर्ड में दिख रही है इनका हम पूरा डिटेल फॉर्म में वीडियो भी देखेंगे पूरे डिटेल फॉर्म में समझेंगे इन चीज़ों को और फिर मैं कोशिश करूंगा कि अंदर सब टॉपिक्स में आपको और डिटेल में लेके जाऊँगा जो इनके अंदर के सब टॉपिक्स अभी और आने वाले हैं तो उन सब टॉपिक्स में हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे आगे ठीक है और इसके बाद तो फिर लास्ट जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी अव न्यूमेरिकल्स ऑन डीसी मशीन की इतना सारा कुछ जब चीज़ आप पढ़ लोगे जब इक्वेशन सारे बनाना सीख जाओगे आप समझ जाओगे कि क्लासिफिकेशन में कितनी वैरायटी ऑफ मशीन्स हैं और उनका पर्टिकुलर कैसा कैसा क्लासिफिकेशन हुआ है उनका कैसा हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन करके रखा हुआ है कैसे हम उनका ई बैक ई जनरेटेड ई उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन की आपको शंट रजिस्टेंस गिवन है सीरीज रजिस्टेंस गिवन है शंट करेंट सीरीज करेंट वो सारे कुछ के बेसिस पे आप जब सीख जाओगे तब हम अटैम्प्ट करेंगे उसका न्यूमेरिकल पार्ट न्यूमेरिकल पार्ट के भी सेशंस मल्टीपल uh, सेशन से होने वाले हैं सिंगल वीडियोस में नहीं कवर करूंगा मैं इस चीज को मल्टीपल सेशन डिपेंडिंग अपॉन देयर वैरायटी डिपेंडिंग अपॉन देयर टाइप्स हम और खूब सारे वीडियोस इसके रखेंगे सो so दैट कि आपको स्पेसिफिकली जो आप सर्च करो आपको वही मिले आप अगर कोई शंट uh, टाइप की मशीन का न्यूमेरिकल सर्च कर रहे हो तो आपको शंट मशीन का ही न्यूमेरिकल मिले ऐसा नहीं होगा कि आपको uh, आप दो घंटे का वीडियो देख रहे हो और उसके अंदर शंट सीरीज कंपाउंड सारा कुछ का न्यूमेरिकल एक साथ है और आपको उसके अंदर से फॉरवर्ड कर करके कर देखना पड़ रहा है दिस विल नॉट बी हैपनिंग इन दिस वीडियो ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखिए आप लोग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स भी अगर हैं तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट अगर कोई चीज सर्च कर रहा है तो मैं चाहता हूं कि उसको एक बार में वो टॉपिक का नाम लिखे और उसको वो चीज दिख जाए टू द पॉइंट टॉपिक इधर उधर की चीजें ना दिखे ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज तो इतना कुछ हम कवर करने वाले हैं चूंकि ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें मैं आपको चैप्टर का एक ओवरव्यू देने वाला था तो ये वीडियो मैं अब इससे ज्यादा लंबा नहीं रखूंगा इस वीडियो को हम यही कंप्लीट करने वाले हैं मैं आपको बता दूं इतना ये बेसिक कुछ है आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो ये सारा कुछ हम पढ़ने वाले हैं आगे आने वाले वीडियोस में अब ये टॉपिक आपको सीक्वेंस में दिखने शुरू हो जाएंगे तो बने रहिएगा मेरे साथ बहुत ही एक्साइटिंग सेशन होने वाला है मज़ा आएगा आपको मॉड्यूल नंबर फाइव जोरदार रहने वाला है डीसी सी मशीन मजेदार होगा तो आप लोग सब मेरे साथ बने रहिए आने वाले वीडियो में जल्दी ही बात करते हैं हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डीसी मशीन से तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स